हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आज के मेरे इस नए अनबॉक्सिंग वीडियो में, जिसमें कि मैं आप लोगों को फिर से एक अनबॉक्सिंग करके दिखाने वाला हूं। और ये बॉक्स भी मैंने फ़्लिपकार्ट से ही ऑर्डर किया था। आप देख सकते हैं फ़्लिपकार्ट का ही इस टेप लगा हुआ है, स्टिकर लगा हुआ है, और ये फ़्लिपकार्ट से ही मैंने ऑर्डर किया था और बस डिलीवर्ड मेरे पास हुआ ही है। और मैंने सोचा कि सबसे पहले आप लोगों के सामने इसे अनबॉक्स करके दिखाऊँ। तो आप देख सकते हैं ये पूरी तरह से अभी पैक है, इसे मैंने अभी तक ओपन नहीं किया है। तो आइए इस बॉक्स को हम लोग अनबॉक्स करके देखते हैं सबसे पहले इसके अंदर क्या है। तो फिलहाल तो आपको दिख ही रहा होगा यहाँ से ये पिजन का इंडक्शन स्टोव है, जो कि काफ़ी चीप एंड बेस्ट प्राइस में है। और वैसे तो इसमें आप प्राइस देख सकते हैं बहुत ज़्यादा लिखा हुआ है, 3195 रुपये, बट इतने का है नहीं है। मैं इसकी प्राइस डिटेल्स और सारी कुछ मैं आपको आगे वीडियो में और डिस्क्रिप्शन में भी बता दूंगा। तो आइए सबसे पहले इसे अनबॉक्स करके इसकी क्वालिटीज़ और इसके यूज़ को हम लोग चेक करेंगे। तो आइए इसे अनबॉक्स करते हैं। ये देखिए, ये रहा हमारा बॉक्स ओपन हो चुका है और ये ब्लैक कलर में काफ़ी अच्छा है। ये देख सकते हैं ये बॉक्स तो हमारा अब किसी काम का नहीं, तो इसे हम लोग साइड करते हैं। और ये रहा हमारा इंडक्शन, ये देखिए इसके अंदर भी काफ़ी अच्छा से ये पैक किया गया है प्लास्टिक से। तो हम लोग इस प्लास्टिक रैपर को हटाएंगे पहले। ये काफ़ी हल्का भी है, जो कि आप इजीली इसको कहीं भी हैंड ओवर कर सकते हैं, कहीं भी इसे ले जाना हो, लाना हो, रखना हो तो काफ़ी इजीली रख सकते हैं। ये रहा हमारा वारंटी कार्ड, ये देखिए ये रहा हमारा वारंटी कार्ड, जिसमें कि 1 ईयर का वारंटी दिया गया है, तो 1 ईयर काफ़ी होता है। और ये रहा हमारा इंडक्शन कॉकपिट, देखिए काफ़ी अच्छा डिज़ाइन के साथ दिया गया है। इसमें मुझे यहाँ ये कुछ कीज़ दिए गए हैं बटन, और देख सकते हैं ये पावर ऑन ऑफ के लिए बटन है, और ये फंक्शन बटन है जिसमें कि मुझे 6 ऑटोमेटिक फंक्शन मिलते हैं। ये देखिए 6 ऑटोमेटिक फंक्शन है, पहला प्रेशर कुकर के लिए, दूसरा सॉल्ट के लिए और करी के लिए, मिल्क के लिए और डोसा और चपाती के लिए, ये डीप फ्राई के लिए और ये इडली के लिए। तो ये हमारा ये फंक्शन बटन है, इसे मैं भी आपको ऑन करके दिखा दूँगा। और यहाँ करंट वोल्टेज चेक करने के ये बटन यहाँ है, इससे आप करंट या वोल्ट चेक कर सकते हैं। और ये रहा हमारा टाइमर बटन। तो इस तरह से मैंने इसे बटन के बारे में आपको बता दिया। और ये रहा हमारा इंडक्शन प्लेट, जिसमें कि यहाँ दिया गया सर्कल, इसी के ऊपर आपको रख कर यूज़ करना है। और ये रहा हमारा पीछे से, बैक से भी आप देख सकते हैं, यहाँ एक एग्जिस्टर फैन दिया गया है, जो कि ज़्यादा हीटिंग के बाद ये ऑटोमेटिक ही ऑन हो जाता है और सारे हीट को बाहर निकाल देता है। और इसके पीछे कुछ दिया गया डिस्क्रिप्शन, ये भी देख लीजिएगा। और ये रहा हमारे यहाँ पे कुछ डिस्क्रिप्शन। तो ये काफ़ी हल्का है, तो आप इसे कहीं भी इजीली मूव कर सकते हैं। तो आइए अब इसे हम लोग ऑन करके चेक करेंगे। ये देखिए हमने अपना इंडक्शन ऑन कर लिया है, ये देख सकते हैं यहाँ लाइट ब्लिंक कर रही है और ये ऑन हो चुका है, बट लाइन इसमें इंटर हो चुका है, बट ये पूरी तरह से अभी ऑन हुआ नहीं है। मैं यहाँ से पावर ऑन करूँगा तो ये पूरी तरह से ऑन हो जाएगा। ये देखिए ऑन हो चुका है, और ये देखिए अभी इको पे है, क्योंकि मैंने इस पर कुछ रखा नहीं है, कुछ चढ़ाया नहीं है, कुछ भी चीज़, इसलिए। तो मैं आपको सबसे पहले इसमें कुछ हीट करके दिखाता हूँ। तो मैंने ये पानी का कटोरा लिया है, मैं आपको इसको बॉयल करके दिखाऊंगा। तो मैं इसे, आप देख सकते हैं यहाँ फंक्शन की है, फंक्शन की से मैं इसे हीट मिल्क वाले फंक्शन पर रखूँगा। ये देखिए मैंने यहाँ रख दिया, अब ये वर्क करना स्टार्ट कर देगा। अब मैं फंक्शन की को स्टार्ट कर सकता हूँ, ये देखिए। तो ये देखिए हमारा इंडक्शन ऑन हो चुका है, और मैं इसे मिल्क हीटिंग वाले पर रखूँगा। ये देखिए मैंने हीट मिल्क पे डाल दिया है इसको, और मैं इसे हीट करके आपको दिखाऊंगा। इस कटोरे के में मेरा ये वर्क नहीं कर रहा है, क्योंकि आप देख सकते हैं मेरा इस कटोरे में कॉपर का कोटिंग किया गया, इसलिए ये वर्क नहीं कर रहा था। तो मैं आपको एक स्टील का कटोरा लेके आया हूँ, अब मैं इसे हीट करके आपको दिखाऊंगा। ये देखिए अब इसमें ये पूरी तरह से वर्क करेगा, क्योंकि ये स्टील का है। तो इसमें आपको हमेशा ध्यान दीजिएगा कि सिर्फ स्टील का ही सामान इस पर चढ़ाएँ, और क्योंकि ये स्टील पे ही वर्क करता है,
अब आप देख सकते हैं ये हीट मिल्क पे अच्छी तरह से वर्क कर रहा है। और ये अब देखिए इसे कितनी जल्दी ये हीट हो जाएगा और ये कितनी जल्दी मेरा ये वाटर बॉयल होता है। मैं आपके सामने इसे ऑन करके रखता हूँ। ये देखिए 80 टेम्परेचर पे ये आपका टेम्परेचर शो कर रहा है इसमें। और मैंने फंक्शन की से आपको दिखा दिया ये किस तरह से फंक्शन की से आप इसे सेट कर सकते हैं। और ये रहा हमारा माइनस बटन और प्लस बटन, यहाँ से ये टाइमर हो गया, टाइमर भी यहाँ से सेट कर सकते हैं। ये देखिए 20 मिनट का टाइमर इसमें बता रहा है। मैं इसे कम या ज़्यादा कर सकता हूँ, यहाँ से माइनस करने पे ये कम होता जाएगा और प्लस होने पे ये ज़्यादा होता जाएगा। इससे होगा क्या क्या कि आप अगर मैंने ये 20 मिनट पे इसे सेट किया तो 20 मिनट के बाद ऑटोमेटिक ये ऑफ़ हो जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छा होता है कि आप कोई भी समा कोई भी खाना अगर बना रहे हो तो इस पर आप चढ़ा कर और उसे आप थोड़ी देर के लिए छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ऑटोमेटिक ये ऑफ हो जाएगा। अगर आपको पता है कि मेरी सब्ज़ी या फिर दाल या कुछ भी अगर आप जो बना रहे हैं ये 20 जितने भी टाइम में अगर वो बन जाता है तो आप उसे उतने टाइम पे सेट करके और इसे छोड़ सकते हैं, ये ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं मेरा ये पानी देखिए बॉयल हो चुका है और ये बॉयलिंग स्टार्ट हो चुका है ये, और बहुत ही जल्दी ये फास्ट वर्क करता है। तो अगर आप खाना अगर जल्दी बनाना चाहते हैं तो इसमें भी इसके लिए बहुत अच्छा इंडक्शन है, क्योंकि इंडक्शन पर कोई भी खाना अगर बहुत जल्दी बनता है। और देख आप देख सकते हैं कितनी जल्दी ये पानी बॉयल हो चुका है इसमें। तो आपको मैंने इसमें वर्क करके दिखा दिया और ये बिल्कुल पूरी तरह से ये हीट नहीं होगा, बहुत ही हल्का हीट होगा क्योंकि ये पानी हीट होने की वजह से जो भी इसमें हीटिंग ट्रांसफ़र होती है वही हीट होता है। इसके अलावा ये बॉडी हीटिंग इसमें किसी तरह कोई प्रॉब्लम नहीं। आप देख सकते हैं मैं इसे भी छू के देख रहा हूँ, ये हीट नहीं हो रहा, लेकिन बस वो वाटर जो है वो बॉयल हो रहा है। तो उस वजह से ये थोड़ा थोड़ा आपका हीवी हीट हो रहा है। आप देख सकते हैं कि मैं इसे पकड़ के दिखा दिया हूँ, बिल्कुल भी मेरा हाथ नहीं जल रहा है, बट आप बॉयल पानी देख सकते हैं बहुत अच्छी तरह से ये बॉयल हो रहा है। लेकिन अगर आप इसे गैस वगैरह पे चढ़ाते हैं तो आप देख सकते हैं बहुत जल्दी आपका बर्तन भी हीट हो जाता है, जिस वजह से आप इसे छू नहीं सकते हैं। बट इसमें ऐसा कुछ नहीं है, आप देख सकते हैं मैं इसे भी छू रहा हूँ, किसी तरह कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये काफ़ी अच्छा है आपको चीफ एंड बेस्ट के लिए। और इसका प्राइस बहुत ही कम लगा है, इसका प्राइस ओनली 1200 रुपये लगभग मुझे पड़े हैं। मैं पूरे अच्छे इसका प्राइस जो भी इसका पड़ा है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दिखा दूंगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि नेक्स्ट अनबॉक्सिंग वीडियो को मैं आपके पास सबसे पहले दिखा सकूँ। और थैंक यू फॉर वॉचिंग।